ग्वालियर की महारानी भी उतरेंगी चुनावी मैदान में। हम बात कर रहे हैं प्रियदर्शनी राजे सिंधिया की, जो सिंधिया राज परिवार के महाराज और कांग्रेस के महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी है। कहा जा रहा है कि इस बार ज्योतिरादित्य की गुना लोकसभा सीट से प्रियदर्शनी सिंधिया को उतारने की तैयारी में है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इसकी मांग कर रहे हैं। महारानी का 9 दिवसीय दौरा शुरू हो गया है। प्रियदर्शनी राजे ने शुरुआत कांग्रेस महिला सम्मेलन में शिरकत करके की। महारानी प्रियदर्शनी 26 फरवरी तक शिवपुरी में रहकर ऐसी कई सभाएं करेंगी और महिलाओं से खास बातचीत करेंगी। क्या कहा आपने? मैं कहीं परेशानी है एकदम तुम्हारे साथ। क्या परेशानी है? पानी हमारे यहाँ कमी है, नहीं है पानी, सब साथ हो जाएगा सब। आपको क्या लगता है, इनको चुनाव लड़ना चाहिए क्या? लड़ेंगे तो लड़ेंगे तो साथ साथ लड़ेंगे। शिवपुरी में प्रियदर्शनी राजे के पहुंचने के बाद महिलाओं ने उनसे शिवपुरी गुना संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की मांग की। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने मांग की महारानी यहां से चुनाव लड़े और उनका साथ क्षेत्र की हजारों महिलाएं देंगी, जिससे महिलाओं को नए अवसर मिलेंगे और उनका सशक्तिकरण होगा। मुझे लगता है कि इस बार डेफिनेटली महिला शक्ति निकल आएगी। लेके आई हूँ कि सबको निकलना चाहिए। अगर हमें अपनी आवाज दिल्ली तक पहुँचानी है तो हमें पूरे स्ट्रेंथ में वोट करना चाहिए, यही बात लेके आई हूँ मैं। प्रियदर्शनी के दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित तो जरूर है, उन्हें चुनाव में उतारने की भी मांग हो रही है, लेकिन प्रियदर्शनी ने कोई साफ संकेत अभी तक नहीं दिए हैं कि वो चुनाव में उतरेंगी। फिलहाल वो सिंधिया परिवार के राजनीतिक गढ़ को मजबूत करने में लगी है और एक तरह से 2019 के चुनाव के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रचार करने में जुट चुकी है।